हेलो गाइस, वी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड की एमसीक्यू सीरीज मैंने आप लोगों के लिए चला रखी है, जहां पे हम लोग एग्जाम जो आ रहे हैं, आपके जो एग्जाम रिसेंटली हो रहे हैं, उनके बेसिस के ऊपर ये क्लास डिजाइन की गई है, जहाँ पे आप लोगों को रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या पैटर्न इन लोग ये क्वेश्चन का रहता है, क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है एनटीए के द्वारा, तो वो सारी चीजें हम लोग इस क्लास में सेशन में आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ। तो फर्स्टली माय नेम इज पूजा वर्मा। जो भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़े हैं उनको बता देती हूँ, मेरा नाम पूजा वर्मा है एंड मेरी अनअकैडमी पर भी क्लासेस होती है और मेरी अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस आप लोग वॉच कर सकते हो। सिंपली आपको पूजा वर्मा के नाम से मुझे सर्च करना है एंड फॉलो जरूर कर ले अनअकैडमी पे, सो दैट आप लोगों को क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप जब तक मुझे फॉलो नहीं करेंगे, आपके पास क्लासेस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। मेरी फ्री क्लासेस आप वॉच कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाती हूँ और ये एमसीक्यूज आप लोगों को मैं करवाती हूँ 8 AM पे। 8 AM पे मेरी क्लासेस होती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, स्पेशल क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, तो ये क्लासेस आप मेरी वहां पे वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे फाउंडेशन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आपको अवेलेबल है, फाउंडेशन और बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहते हैं पेपर वन एंड पेपर टू बोथ, देन आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। मेरे कोर्सेज में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, जितने भी टॉपिक्स है वो आप लोग बेसिक से पढ़ते हुए चलने वाले हैं। अब प्लस पे देखिए, आप लोगों के लिए मैं न्यू बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड का। रिसर्च एप्टीट्यूड का न्यू बैच, न्यू कोर्स मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसकी टाइमिंग जो कि आप लोगों के लिए मैं 20 नवंबर से स्टार्ट कर दूंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं By using my referral code PUJA10 PUJA10 capital letters without any space, आपको apply करना है और इससे 10% discount मिल जाएगा आपको अपने subscription amount पे, okay? And paper one and paper two आपको एक ही subscription में available है, एक ही subscription में ये आपको available हो जाएगा, okay guys? और paper two को आपका कोई भी हो, आप मेरा referral code लगा सकते हैं PUJA10, वहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। देखिए प्लस का फायदा क्या होता है, प्लस से आपको एक्चुअली जो क्लासेस है वो आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, लाइव आपको पढ़ाया जाता है। उसके अलावा लाइव आपके लिए क्विज ऑर्गेनाइज की जाती है, लाइव आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा आपके लिए पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाती है, जो कि आपकी स्टडीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीडीएफ, और ये पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, ये पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाई जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस काफी अच्छा है और ये इंटरफेस आप लोग समझ सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस देखिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो क्लासेस लेके आप इस इंटरफेस को इजीली समझ सकते हैं, ओके? चलिए लिखिए गाइस, तो बात करते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग आप लोग 12 मंथ या फिर इसके मल्टीपल पैक वाला सब्सक्रिप्शन ले, जो कि आपके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको ही पता है कि जिस कोर्स के आप लोग प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो एटलीस्ट आप मान के चलिए 6 to 7 मंथ लगते हैं एक बार कोर्स को कम्प्लीट करने में, और विद रिविजन अगर आप जाना चाहते हैं तो आई थिंक सो 12 मंथ सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है। इसमें आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। फीस भी गाइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है, फीस जो है वो आपकी 11,500 अराउंड है, जो बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है, ठीक है? कोई भी ज्यादा चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है जो कि आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप EMI पे जाना चाहते हैं तो आपके पास EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, और ये EMI आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड्स पे अवेलेबल है, ओके? चलिए, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेशन भी, वन बाय वन करके आप लोग काफी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बस आपको क्लासेस में कंटिन्यू बने रहना है। और डोंट फॉरगेट टू शेयर गाइस, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर जरूर करा करें, ठीक है? क्लासेस को शेयर जरूर करें।
सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन रेंडम सैम्पलिंग मेथड। नॉन रेंडम सैम्पलिंग मेथड का एग्जाम्पल क्या है ये आपको बताना है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रेंडम सैम्पलिंग, सिंपल रेंडम और क्लस्टर रेंडम। तो नॉन रेंडम सैम्पलिंग मेथड का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताना है। चलिए चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से आपको आंसर करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जहां पे रैंडमली, रैंडम का मतलब होता है जितनी भी पॉपुलेशन है 100% पॉपुलेशन हैज ए इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जब दिए गए सभी नमूनों का चयनित होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता समान होती है तो उसे रैंडम सैम्पलिंग बोला जाता है, ठीक है। जबकि कन्वीनियंट सैम्पलिंग में क्या किया जाता है, कन्वीनियंटली जो रेस्पोंडेंट्स या जो डाटा है, जो नमूने हैं आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप उन्हीं को क्या करते हो, एनालाइज कर लेते हो। आप उन्हीं को एनालिसिस करके अपने जो भी रिसर्च वर्क है उसे कैरी ऑन करते हो। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे रैंडमली चीजों को सैंपल को ड्रॉ नहीं किया जा रहा जबकि कन्वीनियंटली किया जा रहा है। आपके सुविधा के अनुसार आप क्या करते हो, नमूना लेते हो, तो उसे गैर यादृच्छिक नमूनाकरण विधि बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमारे सामने, द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इज टू बी सर्टेन दैट। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का क्या पर्पस या उद्देश्य होता है, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण का उद्देश्य है कुछ निश्चित करना होता है, क्या निश्चित करना होता है ये आपको बताना है। सॉरी, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज या प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स और नन ऑफ द अबव। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करके बताना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर टू है आपके सामने, एबीसीडी चार ऑप्शन है, इनमें से आपको करेक्ट आंसर करना है। गाइस सभी को आंसर करना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी आंसर ना करे, सभी को यहाँ पे आंसर करना है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। फॉर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, विभिन्न श्रेणियों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए, ठीक है। तो स्तरीकृत जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम, देखिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में होता क्या है, काफी थोड़ा सा यहाँ पे क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लस्टर, बिटवीन द क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो उस कंफ्यूजन को मैं आप लोगों को क्लियर आउट कर देती हूँ। क्लस्टर सैम्पलिंग में एक्चुअली क्या किया जाता है, क्लस्टर का फॉर्मेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया। जब आपकी पॉपुलेशन जो होती है वो ज्योग्राफिकली, भौगोलिक तौर पे फैली हुई होती है, छितरी हुई होती है, डिस्पर्शन जिसमें ज्यादा होता है, ठीक है, फैलाव होता है, छितरी हुई होती है, तो उस वाले केस में क्या किया जाता है, क्लस्टर का फॉर्मेशन किया जाता है। क्लस्टर में क्या किया जाता है, एक सेम काइंड ऑफ जो लोग होते हैं उनका ज्योग्राफिकली एक क्लस्टर बना दिया जाता है, एंड देन उस होल क्लस्टर को चूज किया जाता है, होल क्लस्टर को चूज किया जाता है, चूज फॉर स्टडी, ठीक है। जबकि स्ट्रेटिफाइड जो रैंडम सैम्पलिंग होती है इसमें क्या किया जाता है, स्ट्रेटास का फॉर्मेशन किया जाता है, स्ट्रेटास बनाए जाते हैं, अब उन स्ट्रेटास में से रैंडमली चूज किया जाता है, स्ट्रेटास में से रैंडमली चूज किया जाता है कुछ ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे होल स्ट्रेटा को चूज नहीं किया जाता, रैंडमली स्ट्रेटा में से पॉपुलेशन को ड्राइव किया जाता है। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, देन उनमें से रैंडमली चीजों को चूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज। एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आप किस तरीके से बेस्ट वे में कैरेक्टराइज कर सकते हैं ये आपको बताना है।
एक सहसंबंध गुणांक के रूप में सबसे अच्छा है, ये बताना आपको। अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, एन इंडेक्स ऑफ द कॉजल डायरेक्शन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एन इंडिकेशन ऑफ द लाइवलीहुड दैट एन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग विल बी रेप्लीकेटेड बाय अदर्स, और अ मेजर ऑफ द लाइवलीहुड दैट ऑब्जर्व डिफरेंसेस मे बी एट्रीब्यूटेड टू चांस। ये आपको बताना है कोरिलेशन और कॉफिशियंट को बेस्ट किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता है, देखिए कोरिलेशन और कॉफिशियंट में क्या किया जाता है, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या किया जाता है, रिलेशनशिप को एनालाइज किया जाता है, रिलेशनशिप को बताया जाता है दो वेरिएबल्स के बीच में। अब वो रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है एक डिक्रीज हो रहा हो, और अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो ये भी हो सकता है एक इंक्रीज हो रहा हो। साइमल्टेनियसली अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि अदर जो वेरिएबल है वो भी साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो रहा हो, तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जाता है। जो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं उन्हें नेगेटिव कोरिलेशन बोला जाता है। बट इन शॉर्ट ये रिलेशनशिप की बात करते हैं। जो कॉफिशियंट, जो कोरिलेशन कॉफिशियंट होता है वो बात करता है एट द एंड रिलेशनशिप की, किसकी बात करता है, रिलेशनशिप की ये बात करता है। क्लियर आउट हो गया, ये किसकी बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिस्पॉन्डिंग टू अ सब्सटेंस लाइक ए शुगर पिल एज इफ इट वर अ ड्रग इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है। मैंने एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लगाई थी रिगार्डिंग द रिसर्च टर्मिनोलॉजीज, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके इस तरीका का, ये मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों के सामने रख के दिया था कि ये एक इफेक्ट होता है, ये हमारी एक साइकोलॉजी बन जाता है। तो उस साइकोलॉजी, उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, ये आपको बता रहे हैं। ठीक है कि आपने शुगर पिल लिया, मतलब आपको कुछ एक बीमारी है, बट जस्ट बिकॉज कि हमारा ये सोचना है, हमारा ये मानना है कि अगर मैं दवाई लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो वो उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है। एग्जैक्टली आप किसी और चीज से भी ठीक हो सकते हैं, बट आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डॉक्टर के ही जाना चाहिए और डॉक्टर जब मुझे ट्रीट करेगा, दवाई देगा, तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, किसी को रहता है, किसी को हर चीज पे डॉक्टर के जाना होता है, कुछ भी छोटा सा भी दिक्कत होती है तो उन्हें लगता है कि नहीं अभी डॉक्टर को विजिट जरूर करना चाहिए। तो अब वो क्या करते हैं, वो आप समझते हैं, आपको जानते हैं कि भाई ये दवाई लिए बिना मानेगी नहीं, कि तब तक बीमारी दूर नहीं होगी जब तक इनको दवाई नहीं दिया जाएगा। जान जाते हैं डॉक्टर्स भी, और हम भी जान जाते हैं कि भाई ये दवाई लिए बिना या डॉक्टर के जाए बिना मानेगी नहीं, इनको यही लगता रहेगा कि नहीं पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। कुछ होता है, कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल ही होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उन्हें कुछ भी आयरन कैल्शियम की गोलियां दे देते हैं, पता है ना। डॉक्टर के पास जाओगे तो अगर उनको लगता है कि भाई सब कुछ ठीक है बट फिर भी इन्हें दवाई चाहिए, तो वो आयरन कैल्शियम या ताकत की दवाई जिन्हें बोला जाता है वो दे देते हैं, शुगर पिल्स दे देते हैं, मीठी गोलियां तो वो दे दी जाती है। तो उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने एबीसीडी चार ऑप्शन है। प्लेसिबो इफेक्ट आपके सामने, एक ऑप्शन आपके सामने एक्सट्रोनियस फैक्टर्स, एक आपके सामने वेरिएबिलिटी, और एक आपके नन ऑफ द अबव। तो ये आप कौन सा करना है कि इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोला जाता है। ओके सो सभी को आंसर करना है, फटाफट फटाफट आंसर करना है। एंड गाइस शेयर करना ना भूले सेशन को, क्लास को, सेशन को शेयर जरूर करें। एंड इसी तरीके से अगर आप लोग डिटेल भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ के अगर स्टडी करना चाहते हैं, डिटेल भी हर एक फैक्टर, हर एक चीज को पढ़ना चाहते हैं, देखिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अकेडमी प्लस पे। ओके गाइस, सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था जहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स के रिव्यू आए थे कि मैम क्वेश्चंस एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, हमने बहुत सारे, मतलब हमने 1000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके गए थे, 1000 एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करके गए थे,
वहां से क्वेश्चन नहीं आए बल्कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आए थे। तो हमेशा मैं आपको हर एक क्लास में यही बोलती हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट स्टडी करिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने जा रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप आगे क्या मतलब इम्पार्ट करेंगे ये आप खुद सोचिए। तो कॉन्सेप्ट स्टडी ऑब्वियसली एनटीए में बाबा कह रही हूँ, एनटीए पेपर जो बनाता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बनाता है एंड नथिंग एल्स। वो आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना चाहता है और एनटीए का कोई भी ऑब्जेक्टिव या एजेंडा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या है ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आंसर करना है, व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। स्टडी ऑफ वन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर। मैंने हमेशा आपको बताया, हमेशा मैंने आपको बोला है, डिफरेंशिएट जरूर करिए क्रॉस सेक्शनल डिजाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल। एंड लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में क्या डिफरेंस होता है। लॉन्गिट्यूडनल में हमेशा मैंने आपको बोला है कि जो लॉन्ग वे तक चलता है, जो चलता जाता है लॉन्ग वे तक, वो होता है आपके लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। और क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है, आप स्टडी करते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, विद इन द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। एक पॉइंट पे बात की जाती है, एक पॉइंट पे टॉपिक को डिस्कस किया जाता है इन द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसे बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, स्टडी ऑफ वन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर, द रिसर्च डिजाइन दैट इज फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल बायस एंड द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मोर देन वन रेस्पोंडेंट इन अ सेम पीरियड ऑफ टाइम और अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो ये तो नहीं होगा, ये आपके किस में चला जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल में चला जाएगा। The research design that is free from any personal bias. तो ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। The collection of data from more than one respondent in the same time period. मतलब एक समय पर एक से ज्यादा लोगों के साथ डाटा को कलेक्ट करना is known as the cross sectional design. उसे कौन सी डिजाइन बोला जाएगा, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन उसे बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इट इज इम्पोर्टेंट दैट एकेडमिक्स प्रोसीड प्रोड्यूस रिसर्च दैट कैन बी वाइडली यूज्ड एंड वैल्यूड बाय एकेडमिक कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड, दिस टर्म्ड एज, उसे किस तरीके से जाना जाता है, माना जाता है, ये बताना है। रिसर्च इम्पैक्ट, साइटेशन इम्पैक्ट, एथिक्स इम्पैक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए एकेडमिक एंड वैल्यूड बाय एकेडमिक कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड, एकेडमिक कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज टर्म्ड एज, उसे क्या बोला जाता है, रिसर्च इंपैक्ट, साइटेशन इंपैक्ट, एथिक्स इंपैक्ट या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, उसे साइटेशन इंपैक्ट बोला जाता है, उसे प्रशस्ति पत्र प्रभाव बोला जाता है, जहाँ पे क्या किया जाता है व्यापक स्तर पे, ठीक है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। जो डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक कम्युनिटीज होती है अराउंड द वर्ल्ड, उससे क्या करती है, उसको साइट करती है, उसके बारे में उसको यूज किया जाता है, उसको साइटेशन इंपैक्ट बोला जाता है, ठीक है। रिसर्च में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी साइटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्चर सीइंग ओनली व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी इज कॉल्ड, उसे आपको बता रहे, उसे क्या बोला जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर की वो प्रॉब्लम बताइए, सी ओनली, ओनली वो वही देखते हैं, व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी, जो वो देखना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, रिसर्चर्स बायस, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, लीनेंसी इफेक्ट या फिर हेलो इफेक्ट, ये बताना है आपको। हेलो इफेक्ट बोला जाता है। आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हेलो इफेक्ट होता है और आपके एक हॉर्न इफेक्ट भी होता है।
हेलो इफेक्ट होता है, हॉर्न इफेक्ट होता है, प्लेसिबो इफेक्ट होता है, मतलब काफी सारी टर्मिनोलॉजीज है जो रिसर्च में एक्चुअली आती है। सो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 7 को आंसर करना है आपको। चलिए, सो यहाँ पे जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, रिसर्च बायस। इसे रिसर्च बायसनेस बोला जाता है, मतलब वो अपने जो ओपिनियंस उसमें क्या है, अपने रिसर्च वर्क में क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है मतलब आप जो देखना चाह रहे हो, आप जो स्टडी करना चाह रहे हो, आपने जो सोचा है आप वही उसी को करेक्ट मान रहे हो, सही मान रहे हो, तो उसे रिसर्चर्स क्या बोला जाता है, बायस बोला जाता है। रिसर्चर खुद ही बायस हो रहा है, वो किसी और चीज को नहीं देख रहा, जो खुद देखना चाह रहा है वही देख रहा है, तो उसे रिसर्चर बायस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर SPSS, अ सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, ट्रेनिंग करवाई जा रही है SPSS की, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसको यूज करना है स्टैटिस्टिकली एनालिसिस में, तो उस चीज के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मतलब आप किसी के अंदर एक नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हो, उसको कुछ सिखाना चाह रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग उसको सिखाना चाह रहे हो, तो उसको सिखाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप या फिर पेपर। क्या इसका आंसर होने वाला है, कहाँ पे आपके अंदर स्किल्स को डेवलप किया जाता है, या आपको किसी भी चीज की ट्रेनिंग दी जा सकती है, कहाँ पे दी जाती है ट्रेनिंग, सेमिनार में दी जाती है, या फिर कॉन्फ्रेंस में दी जाती है, या वर्कशॉप में दी जाती है, या फिर पेपर पे दिया जाता है ट्रेनिंग। तो देखिए, पेपर तो कहीं से भी नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। अब आपके सामने ऑप्शन नंबर है ए, बी और सी, इनमें से आपको करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, ए बी सी में से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप, ये आपको बताना है। ओके गाइस, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, सेमिनार और वर्कशॉप भी इसका आंसर नहीं होगी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, वर्कशॉप। ध्यान रखिएगा, वर्कशॉप में आपके अंदर स्किल्स डेवलप की जाती है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है, हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाया जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज द वर्कशॉप। वर्कशॉप में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली एन एकेडमिक मीटिंग। आपको बताना है यहाँ पे से कौन सी एक एसेंशियली एकेडमिक मीटिंग है, ये आपको बताना है। कोलोकियम, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम एंड नन ऑफ द अबव। एकेडमिक, एकेडमिक से रिलेटेड मीटिंग मीटिंग जो होती है वो कहाँ पे किसमें की जाती है, ये बताना है आपको। सभी को आंसर करना है गाइस, सभी को आंसर करना है, करेक्ट आंसर करना है। और गाइस डोंट फॉरगेट टू शेयर, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ क्लास को शेयर जरूर करा करो। ठीक है, क्लासेस को शेयर जरूर करा करें, काफी सारे ग्रुप्स में आप लोग ऐड रहते हैं, सिंपली आपको बस एक शेयर करना होता है एनीथिंग, तो फटाफट से शेयर भी कर दिया करो सेशन को। ओके, सो गाइस यहाँ पे जो आपके करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, कोलोकियम। कोलोकियम इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बोलचाल की भाषा, मतलब आई थिंक सो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस इंटरप्रेट हो गई है हिंदी, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे कोलोकियम होगा जहाँ पे क्या किया जाता है, अकेडमिक से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, बात की जाती है, अकेडमिक से रिलेटेड जितने भी मीटिंग्स वगैरह होती है उन्हें कोलोकियम बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपके सिलेबस और अकेडमिक्स जितनी भी मतलब बातें होती है एजुकेशन से रिलेटेड वो की जाती है, किसमें की जाती है, कोलोकियम में की जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, तो चलिए आज का टाइम आप हमारा यहीं तक अप होता है, बाकी क्वेश्चंस कल वाले सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोग गाइस मेरी फ्री MCQ क्लासेस लेना चाहते हैं जो कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे होती है, स्पेशल क्लासेस में आप जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, उस इंटरफेस को आप लोग समझ सकते हैं कि प्लस पे आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसकी टाइमिंग रहती है 8 AM। 8 AM पे आप लोगों के लिए मैं डेली क्लास लेके आती हूँ पेपर वन की, जहाँ पे मैं आप लोगों से हायर एजुकेशन, रिसर्च, कम्युनिकेशन, टीचिंग के इम्पोर्टेंट MCQs में आप लोगों के साथ वहाँ पे डिस्कस करती हूँ। 8 AM पे मेरी क्लास होती है। ओके गाइस, सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच। एंड मेरा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड का, फाउंडेशन से, बेसिक से,
और अगर आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफर कोड लगा सकते हैं PUJA10। आपको मेरा रेफर कोड अप्लाई करना है, इससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर गाइस, अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे सो दैट आपके पास क्लासेस की नोटिफिकेशन आ सके। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।